पेज 292 to 294 जो भी सम्स है एक बार कर लेते हैं। अगेन बहुत सिंपल सम्स है, कंप्यूटिंग स्पॉट रेट्स फ्रॉम फॉरवर्ड रेट्स। ऑलरेडी है ये स्पॉट 2%, फॉरवर्ड रेट्स ये है। अगर मेरे को सेकेंड ईयर का स्पॉट रेट ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा, कैसे ढूंढना पड़ेगा? कंप्यूटिंग स्पॉट रेट्स है ना, तो फॉरवर्ड से अगर ये करना है कैसे करेंगे? 2 + 3 = 5, 5 / 2 = 2.5, अराउंड 2.5%, अराउंड 2.5%, एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट के लिए हम अभी देखेंगे। टेक्स्ट बुक ने क्वेश्चन कौन सा पूछा है, 3 ईयर स्पॉट रेट पूछा है, क्वेश्चन ने ये वाला पूछा है। तो कैसे करेंगे, 2 + 3 = 5, 5 + 4 = 9, 9 / 3 = 3%। लगभग कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड। एक्चुअल आंसर कितना है, 2.997%। क्या करना है, एक्चुअल निकालना है तो 1.02 × 1.03 × 1.04 द होल थिंग रेज टू 1/3 - 1 विल फेच यू 2.997%। डन, सिंपल ना। सेकेंड क्वेश्चन पेज नंबर 291 पे, कंप्यूटिंग अ फॉरवर्ड रेट फ्रॉम स्पॉट रेट। देखो सॉल्यूशन इतना बड़ा है, ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटिंग फॉरवर्ड फ्रॉम स्पॉट, स्पॉट फर्स्ट ईयर का 4% इज इक्वल टू सेइंग F01 4%, स्पॉट इज 8%, फॉरवर्ड रेट 1.1 कितना होगा, 8 × 2 = 16, 16 - 4 = 12, आंसर कितना है 12%, आंसर कितना दिया है 12.154%। एक्चुअल निकालना है तो कैसे करेंगे, 1.08 / 2 / 1.04 - 1 विल फेच यू अगेन 12.154% आंसर। कितना टाइम लग रहा है, समझ में आया? एक बार कंसेप्ट समझा तो बहुत सिंपल है। एंड अपवर्ड स्लोपिंग है ना, 4.8 अपवर्ड स्लोपिंग, तो देखो फॉरवर्ड भी ज़्यादा है ये 8 से, ठीक है। अगर वो लोग बोलते इसका आंसर कितना आया था मेरे को 12%, अगर वो लोग बोलते स्पॉट अगर 4.8 = 12 दिया है एंड मेरे को ये वाला निकालना रहता तो कैसे निकालता मैं, 12 × 3 कितना है 36 माइनस 8 × 2 = 16 20%, आंसर कितना आया। पेज नंबर 292 में वो क्वेश्चन है 20.45%, इसका आंसर 20.45% है। कैसे करेंगे, एग्जैक्ट निकालना है तो 1.12 / 3 / 1.08 / 2 - 1 विल गिव यू दिस 20.45%। सिंपल है, 100%, कोई भी डाउट है क्या, श्योर ना? ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 293 में स्पॉट है, फॉरवर्ड्स है। अगेन स्पॉट रेट निकाल के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग ने अभी इसके पहले जो सम किया था प्राइस निकालने के लिए तभी स्पॉट रेट से निकाला था। अभी वो लोग बोल रहे हैं स्पॉट रेट से मत निकालो, फॉरवर्ड से प्राइसिंग करो, चलेगा ना? सिंपल है, क्योंकि स्पॉट एंड फॉरवर्ड सिमिलर ही तो है। तो कैसे कर सकता हूँ, देखो 1, 2, 3 मेरे को प्राइस निकालना है, कितना है कूपन, तो 50 50 1050 बराबर। फर्स्ट में क्या करता था, 1 + spot rate जो भी था ratio 1, लेकिन फॉरवर्ड एंड स्पॉट सेम है तो टेंशन नहीं है, 1.04 ratio 1। सेकेंड ईयर का क्या करता था, सेकेंड ईयर का स्पॉट रेट ratio 2, बट स्पॉट रेट नहीं है तो भी हम लोग निकाल तो सकते हैं ना। सेकेंड ईयर का स्पॉट रेट क्या है, 1.04 × 1.05, यही तो है ना स्पॉट रेट, 1.04 × 1.05 करोगे फिर क्या करना पड़ता, आंसर जो भी आता तो ratio 1/2 करते तो स्पॉट रेट आता, एंड वही स्पॉट रेट तो ratio 2 ही करते थे ना हम लोग, तो बात तो वही हुआ, 1.04 × 1.05। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, 3 ईयर का स्पॉट रेट कैसे आएगा, 1.04 × 1.05 × 1.06, ratio 3 सब नहीं आएगा, यहाँ पे हम लोग 3 अलग अलग ले ही रहे ना, ये या तो हम लोग ऐसे करते थे बराबर, या तो इसका स्पॉट रेट कितना है, सेकेंड ईयर का स्पॉट रेट कितना है 1.05, सेकेंड ईयर का स्पॉट रेट निकालो 1.0 कैसे आएगा, 1.04 × 1.05 द होल थिंग रेज टू 1/2 - 1 × 100 4.49। तो बेसिकली मैं ऐसे करता था ना, 1.044988 ratio 2 विच इज सेम एज सेइंग दिस ओनली ना,
समझ में आया, बात तो वही है, अगर स्पॉट होता तो मैं ऐसे कर रहा है, फॉरवर्ड है तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो थ्री इयर्स के लिए 3 फॉरवर्ड रेट, सेकेंड ईयर के लिए 2 फॉरवर्ड रेट, फर्स्ट ईयर के लिए 1st का फॉरवर्ड रेट विच इज इक्विवेलेंट टू स्पॉट रेट। अगर ये मैं करूँगा तो मेरे को पीवी मिल जाएगा, समझा? तो पीवी का कितना आता है आंसर, एक बार कर लो। पेज नंबर 293-294 पे 1000.98 वही दिया हुआ है ना, 50/1.0404। समझ में आया लॉजिक? समझ में आया? तो पीवी कितना आ रहा है, 1000.98। क्लियर है? 100% लिख लो एक बार। अभी डाउट ये है कि यहाँ पे हमने रेस टू टू या रेस टू हाफ क्यों नहीं किया है, बराबर ना? ठीक है, ये वाला अभी के लिए रुकते हैं। पहले ना हम लोग कैसे करते थे, स्पॉट रेट से करते थे। चलो स्पॉट रेट से करो। सबसे पहले इसका आंसर कितना आएगा, 1.04। बेसिकली कितना आ रहा है, 4.4988%, बराबर है। हम लोग कैसे करते थे सॉल्व, 50 अगर 2 इयर्स का है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर को इससे करते थे 1.04 raised to 1, प्लस सेकेंड के लिए क्या करेंगे, 1.04 4988 raised to 2, ये 2 साल, बराबर है। इसका आंसर ज़रा निकाल के बताओ मेरे को, 1.04 4988 का रेस टू 2 का आंसर निकालो, इसका इसका ये चीज़ का आंसर निकालो। वन पॉइंट ज़ीरो नाइन टू फिर माइनस 1 करोगे इंटू 100, बराबर ना? चलो 1.092 आया। अभी ज़रा इसको मल्टीप्लाई करो कितना आता है, उतना ही आएगा 1.092। इसको भी मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ रहा है, 1.092 सेम ही आएगा ना। यहाँ पे मैं स्पॉट रेट एनुअलाइज्ड रेट है तो उसको रेस टू टू कर रहा हूँ, क्योंकि 2 साल का देखना पड़ेगा ना इन रियलिटी। ये जो 1 किधर गया, 1 कौन सा है, 1.044988 जो है वो 2 इयर्स के लिए है ना, रेस टू टू। यहाँ पे भी तो वही कर रहा हूँ मैं, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो ये भी टोटल 2 साल का, ये भी 2 साल का, सेम ही है। ठीक है, समझ में आया, लिख लो। अभी स्पॉट फॉरवर्ड के बाद ना यील्ड स्प्रेड्स पे आते हैं, पेज 294। सबसे फर्स्ट चीज़ है कि स्प्रेड क्या होता है, डिफरेंस, स्प्रेड का मतलब इज डिफरेंस। यील्ड स्प्रेड्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल इंडिया का कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है 11% है, ठीक है, हम लोग स्प्रेड क्या देखते हैं, डिफरेंस, डिफरेंस किसके टूवर्ड्स, किसके साथ। गवर्नमेंट बॉन्ड, इंडिया का गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड है 6%, कॉर्पोरेट बॉन्ड कितना है, 11%, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, स्प्रेड। तो ये लोग ने एग्जांपल दिया था यूएस के पर्सपेक्टिव से, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड का 6.25, गवर्नमेंट बॉन्ड का 3.5, तो स्प्रेड कितना है, 2.75%। उसको बिप्स में डालते हैं, 1% इज 100 बिप्स, 100 बेसिस पॉइंट्स, 2.75 इज 275 बिप्स। अगेन ये जो डिफरेंस है वो क्या बताता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड अगर इंडिया का 11% है, गवर्नमेंट बॉन्ड है 6%, गवर्नमेंट बॉन्ड में कुछ रिस्क है क्या डिफॉल्ट होने का, नहीं ना, आरएफआर बोलते हैं ना हम लोग, थियोरेटिकली आरएफआर है वो, 6% गवर्नमेंट बॉन्ड है, उससे 5% ज़्यादा कॉर्पोरेट बॉन्ड में आप लोगों को चाहिए एज एन इन्वेस्टर, क्यों, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है ना, रिस्क किस चीज़ का, डिफॉल्ट होने का, तो डिफॉल्ट रिस्क, मैच्योरिटी रिस्क नहीं आएगा, क्योंकि दोनों भी क्या है, जब भी मैं यील्ड देख रहा हूँ तो दोनों 5 ईयर रहेगा, तो मैच्योरिटी रिस्क नहीं आएगा, तो डिफॉल्ट रिस्क आएगा, लिक्विडिटी रिस्क आएगा, वो सब आएगा। समझ में आ रहा है, 100% इंडियन पर्सपेक्टिव में मैंने क्या लिया, कॉर्पोरेट यील्ड 11%, गवर्नमेंट बॉन्ड 6%, डिफरेंस क्या है, 5%। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जी स्प्रेड, क्योंकि हम लोग बेंचमार्क क्या लेते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड, तो गवर्नमेंट का जी, जी स्प्रेड, सिंपल है, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। अभी है ना, गवर्नमेंट बॉन्ड कौन सा लेने का, कभी भी हम लोग देखते तो कौन सा लेना चाहिए, ऑन द रन इशू लेना चाहिए, मैंने ये पहले भी बोला था, ऑफ द रन एंड ऑन द रन। ऑन द रन बॉन्ड्स मतलब क्या, जो सबसे रिसेंटली इशू हुआ है, गवर्नमेंट ने जो सबसे रिसेंटली लेटेस्ट इशू किया रहेगा ना, वो क्या है, सबसे लिक्विड रहेगा, क्योंकि बहुत लोग खरीदेंगे बेचेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑन द रन बॉन्ड। एक बार वो 3-4 साल पुराना हो गया, 5-6 साल पुराना हो गया, अगर 15 साल का बॉन्ड है, 5 साल हो गया, तो वो ऑफ द रन हो जाता है। ऑन द रन मतलब क्या, सबसे लेटेस्ट जो इशू हुआ था लिक्विड वाला, क्लियर है, ये वाला ऑन द रन होना चाहिए। क्यों भी समझा, क्योंकि इट इज़ दी
मोस्ट लिक्विड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अच्छा, लेकिन इसमें डिसएडवांटेजेस भी आएगा। मैंने क्या बोला, यील्ड क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट बॉन्ड का YTM, जो मेरा कॉर्पोरेट यील्ड का YTM है एंड गवर्नमेंट बॉन्ड का YTM है। YTM क्या है, व्हाट इज दैट वन रेट, बराबर ना, IRR ही है ना। यानी कि जब भी मैं जी स्प्रेड करता हूँ, जी स्प्रेड का अजम्पशन क्या है पता है क्या, कि ये मेरा यील्ड कर्व जो है ना वो ऐसा है, कॉर्पोरेट बॉन्ड का ऐसा एंड गवर्नमेंट बॉन्ड का ऐसा। 6% है तो वो बोल रहा है कॉन्स्टेंट है 6%। जब मैं बोल रहा हूँ कॉर्पोरेट यील्ड का 11% है, वो है कॉन्स्टेंट 11%, जिसकी वजह से मैं क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्ट 11-6 कर दो। बट इन रियलिटी ऐसा होता है क्या, कर्व कैसे होता है, कर्व नॉर्मल कर्व्स ऐसे होते हैं, रिसेशन का टाइम आता रहेगा तो इन्वर्ट हो जाएगा, बराबर ना, स्पॉट रेट्स। बट यहाँ पे अजम्पशन क्या है, फ्लैट। तो रियलिस्टिक है क्या ये अजम्पशन, नहीं ना। तो ये भी जो आ रहा है 11-6, वो जो 5% है उसमें ये अजम्पशन गया है, जो कि गलत है ना। तो वो उसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है, अपवर्ड स्लोपिंग स्पॉट रेट्स आर नॉट कंसिडर्ड। आइडियली ऐसा होना चाहिए था, बट कैसे हो रहा है ऐसे, अगेन ये सब लिख के लो क्योंकि टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ ऐसा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज। तो क्या लिखा है, अजम्पशन ऑफ यील्ड्स टू बी कॉन्स्टेंट अक्रॉस मैच्योरिटी, इसके लिए मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, समझ में आया यहाँ पे देख के। सेकेंड डिसएडवांटेज है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर नॉट अवेलेबल फॉर मेनी मेच्योरिटीज। अभी हम लोग को ये समझना है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स अज्यूम करते एक 5 ईयर का है, एक 7 ईयर है, एक 10 ईयर है, एक 12 ईयर है, एक सीधा 20 ईयर है। कितना मेच्योरिटीज है, 5 मेच्योरिटीज। इन रियलिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या यही मेच्योरिटीज के होंगे, नहीं ना, 5 और 7 है, 6 ईयर्स के भी हो सकते हैं, 4 ईयर्स के हो सकते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कितना भी हो सकता है ना। तो इन दैट केस क्या करें, तो एक तरीका क्या है, लीनियर इंटरपोलेशन, जो हम लोग कॉन्ट्स में सीखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को 10 ईयर का एंड 20 ईयर का गवर्नमेंट बॉन्ड्स का पता है यील्ड क्या है, 10 ईयर्स का मे बी 7% है, 20 ईयर्स का मे बी 9% है, तो 15 ईयर्स का कितना आएगा, 8%। यहाँ पे किया क्या मैंने, लीनियरली इंटरपोलेट किया ना, ये दोनों के बीच का यानी कि इंटरपोलेट, एंड मैंने अज्यूम क्या किया, इक्वल अमाउंट से बढ़ रहा है, इसके लिए तो डायरेक्ट हाफ किया, बट इन रियलिटी ऐसा होना ज़रूरी है क्या, नहीं। तो जब जब मैं इंटरपोलेट कर रहा हूँ गवर्नमेंट बॉन्ड्स का YTM को इंटरपोलेट कर रहा हूँ, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, जी स्प्रेड ही बोलेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 15 ईयर कॉर्पोरेट बॉन्ड सपोज 13% है, मैंने ये जो लेके आया गवर्नमेंट बॉन्ड का YTM लेके आया, वो इंटरपोलेशन से लेके आया, कॉर्पोरेट बॉन्ड 13% है, डिफरेंस कितना है 5%, ये 5% को भी हम जी स्प्रेड ही बोलेंगे। समझ में आ रहा है, पक्का ये समझो, क्योंकि आगे जो मैं बोलने वाला हूँ वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। इसके बाद ना एक कंसेप्ट आता है, अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हर एक मेच्योरिटी पे नहीं है, जिसकी वजह से मुझे लीनियर इंटरपोलेशन करना पड़ रहा है। लेकिन एक और ऑप्शन है हमारे पास, हम लोग स्वॉप्स किए हैं, हम लोग ने इंटरेस्ट रेट स्वॉप किया है, वो क्या होता है, OTC मार्केट पे होता है एंड बड़े बड़े कंपनीज के बीच में होता है, OTC मार्केट पे भी होता है एंड बड़े बड़े कंपनीज के बीच में होता है, यानी कि वहाँ पे मैच्योरिटीज है ना बहुत सारे मिलेंगे। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, बट स्वॉप्स में थोड़ा ज़्यादा रिस्क है उससे, बट बहुत माइन्यूटली ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बड़े कंपनीज के बीच में होता है तो डिफॉल्ट होने का रिस्क थोड़ा कम रहता है। समझ में आया, लेकिन एडवांटेज क्या है, मैच्योरिटीज बहुत मिल जाएंगे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल, अभी ऐसे समझो, मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, कॉर्पोरेट बॉन्ड 13% है, गवर्नमेंट बॉन्ड था क्या 15 ईयर्स का, नहीं ना, मैंने क्या किया, इंटरपोलेशन के थ्रू निकाला, मैं क्या कर सकता हूँ ना, 15 ईयर का स्वॉप रेट देख सकता हूँ, इंटरेस्ट रेट स्वॉप्स देख सकता हूँ। अगर इंटरेस्ट रेट स्वॉप्स अराउंड 8.2% है, तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों का डिफरेंस निकाल के बोल दूंगा कि ये मेरा आई स्प्रेड है, इंटरपोलेटेड स्प्रेड, ये नाम है, क्या है नाम, इंटरपोलेटेड स्प्रेड। जरूरी नहीं है इंटरपोलेशन होना चाहिए, वही मैं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बीच में अगर आप इंटरपोलेट करते हो, उसको इंटरपोलेटेड स्प्रेड नहीं बोलोगे, उसको फिर भी आप जी स्प्रेड ही बोलोगे। बट अगर आप स्वॉप्स का कर रहे हो, उसमें आप इंटरपोलेशन, स्वॉप रेट्स में भी हो सकता है ना इंटरपोलेशन होने के लिए, हो सकता है ना, 13 ईयर और 15 ईयर है, मेरे को 14 ईयर्स का चाहिए, तो भी इंटरपोलेशन लगा ना, तो उसको हम लोग इंटरपोलेशन बोल सकते हैं, इंटरपोलेटेड स्प्रेड, आई स्प्रेड। या आप डायरेक्ट स्वॉप रेट से कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, आई स्प्रेड बोलेंगे। क्यों कर रहे हैं हम लोग आई ये स्वॉप रेट्स के साथ, क्योंकि मैच्योरिटीज बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी भी अच्छा रहेगा उसका,
एंड डिफॉल्ट का रिस्क इतना भी ज्यादा नहीं है, समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट बॉन्ड में अगर मेरे पास ऑप्शन दिया जाएगा, गवर्नमेंट बॉन्ड सेम मेच्योरिटी है, कॉर्पोरेट बॉन्ड 10 इयर्स का है, गवर्नमेंट बॉन्ड 10 इयर्स का है एंड मेरे पास स्वॉप रेट है 10 इयर्स का, तो मैं गवर्नमेंट का प्रेफर करूंगा, इज बिकॉज गवर्नमेंट में तो रिस्क ही नहीं है ना, तो वो जो स्प्रेड आएगा वो प्रॉपर डिफॉल्ट रिस्क बताएगा, समझ में आ रहा है? बट प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट का नॉट अवेलेबल फॉर मेनी मेच्योरिटीज, दैट्स द रीजन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी यूज इंटरेस्ट रेट स्वॉप, बट अगेन इंटरेस्ट रेट स्वॉप सेम करेंसी का होना चाहिए, सेम मेच्योरिटी का होना चाहिए, ऑब्वियसली ना, ये तो हम लोग ने सबसे पहले देखा था, मेच्योरिटी सेम होना चाहिए, सेम करेंसी भी, क्लियर है 100%। लेकिन फिर भी हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, फ्लैट, ये अजम्पशन था ना, आइडियली तो अपवर्ड स्लोपिंग है, बट हम लोग का अजम्पशन क्या है, फ्लैट, वो आई स्प्रेड होने दो या जी स्प्रेड होने दो, अजम्पशन क्या है कि वाई टी एम मेरा फ्लैट रहेगा, बट इन रियलिटी नहीं है ना, स्पॉट रेट जो है अपवर्ड स्लोपिंग है, तो वो सॉल्व करने के लिए एक और है जीरो वॉलिटिलिटी स्प्रेड, इसको हम लोग बोलते हैं जी स्प्रेड, जेड स्प्रेड, जी स्प्रेड बोलते हैं, जीरो वॉलिटिलिटी क्यों बोलते हैं उस पर मैं आता हूँ, वो बाद में करेंगे। सबसे फर्स्ट चीज ये कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम जीरो वॉलिटिलिटी स्प्रेड, समझ में आया क्या कर रहा हूँ? स्पॉट कर्व लिया मैंने, स्पॉट कर्व एक्चुअली जो है मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, सपोज 1, 2, 3, 4 ईयर्स का स्पॉट रेट्स है, क्योंकि मेरा 4 ईयर्स का कॉर्पोरेट बॉन्ड है, इसके लिए मैंने 4 ईयर्स का लिया, ठीक है, इसमें कोई डाउट है? अब मैं क्या करूँगा ना, ऐसे समझो कि मेरा कॉर्पोरेट बॉन्ड है, कॉर्पोरेट बॉन्ड का कूपन सपोज 7% है, तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, फर्स्ट ईयर 7, सेकेंड ईयर 7, थर्ड ईयर 7, फोर्थ ईयर 107, बराबर है? नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, प्लस 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 करके फर्स्ट ईयर को फर्स्ट से स्पॉट से करता हूँ, क्या करता हूँ, 1.03:1, यहाँ पे 1.04:2 ऐसे करके जाता हूँ, इससे मुझे एक आंसर आता है, अज्यूम करो इससे आंसर आ जाता है मेरा 108, ऐसी रैंडम ले रहा हूँ 108। मैं फिर मेरा खुद का कॉर्पोरेट बॉन्ड देखूंगा, मेरा खुद का कॉर्पोरेट बॉन्ड का कितना है, अगर मैं देख रहा हूँ मेरा खुद का कॉर्पोरेट बॉन्ड तो एक्चुअली 101 पे ट्रेड कर रहा है, इससे कम पे ही ट्रेड करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने वो रिस्क फैक्टर कंसिडर किया है क्या, यहाँ पे मैंने स्पॉट रेट लिया है जो गवर्नमेंट का है, यानी कि यहाँ पे रिस्क फैक्टर कंसिडर हुआ है क्या, नहीं। तो अभी हम लोग ये एक्सेल पे करते, ऐसे सम आपको आएगा ही नहीं सीएफए में, ठीक है, और कभी आया तो ऑप्शन लगा के करना पड़ेगा, ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग, क्या करते हैं ना, जेड स्प्रेड क्या बोलता है, व्हाट इज दैट वन रेट, व्हाट इज दैट वन रेट जो मैं हर साल लगाऊं सच दैट मेरा आंसर 101 हो जाए। तो फॉर एग्जांपल स्पॉट रेट्स क्या है, 1.03, 1.04, 1.05:3 and 1.055:4, व्हाट इज दैट वन रेट जो मैं हर साल लगाऊं सच दैट मेरा आंसर 108 के जगह पे 101 आ जाए, समझ में आ रहा है? तो सपोज फॉर एग्जांपल मैं आंसर इज 0.75%, तो यहां पे भी 0.75% ऐड होगा, यहां पे भी 0.75% ऐड होगा, सब में, मतलब ये 1.03 के जगह पे क्या हो जाएगा 1.0375, ये क्या हो जाएगा 1.0475। तो अगर मैं यील्ड्स बढ़ा रहा हूं मेरा, तो मेरा प्राइस गिरेगा ना, तो ये क्या डिनोट कर रहा है बेसिकली, ये सब रेट्स डिफॉल्ट रिस्क, क्योंकि स्पॉट रेट्स में तो डिफॉल्ट नहीं होगा ना, स्पॉट रेट्स तो गवर्नमेंट का है, मैंने पहले ही बोला था, आप इतना डेप्थ में आपको समझना है। तो बेसिकली मैं ऐसे बोल सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आंसर कितना आया 0.75%। अब ये निकालते कैसे, एक्सेल पे हम लोग डायरेक्ट वो करके कर सकते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस सब करेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा। तो सपोज 0.75 है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 0.75, यहाँ पे 0.75, यहाँ पे 0.75, यहाँ पे 0.75, तो मेरा ऑटोमेटिक स्प्रेड क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा कॉर्पोरेट बॉन्ड का। इसके पहले मैं क्या कर रहा था, डायरेक्ट लास्ट ईयर का माइनस कर रहा था, यहां पे एवरी ईयर व्हाट इज दैट परसेंटेज जो मैं डालू एवरी ईयर कांस्टेंट परसेंटेज सच दैट मेरा आंसर 108 नहीं आएगा, 101 आना चाहिए, क्योंकि मेरा कॉर्पोरेट बॉन्ड 101 पे ट्रेड कर रहा है ना, तो वो मुझे क्या बताता है, स्प्रेड बताता है, एंड वो ये दोनों से बेटर है, समझ में आया? अच्छा, अभी एक क्वेश्चन पूछना है मेरे को, 11% और 6% स्प्रेड कितना है इसका, 5% है। अभी है ना एक साल होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड का यील्ड है ना 12% हो गया, पहले कितना था, अभी कितना हो गया 12%, और स्प्रेड है ना अभी भी 5% है,
तो आप क्या बोलोगे, ये कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है क्या है, पूरा मार्केट खराब है कि कंपनी खराब हुआ, पूरा इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ रहा है, इकोनॉमी का रिस्क बढ़ गया मैक्रो लेवल का, क्यों, क्योंकि अगर मेरा कॉर्पोरेट बॉन्ड 12% हो रहा है, मेरा जो गवर्नमेंट बॉन्ड है वो भी तो 7% हुआ ना, इसके लिए तो स्प्रेड अभी भी कॉन्स्टेंट है, स्प्रेड कॉन्स्टेंट है मतलब मैक्रो लेवल का प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड 12% हो रहा है ये भी तो बढ़ रहा है ना, मेरा RFR बढ़ रहा है मतलब क्या, समझ में आ रहा है आपको, लेकिन अगर मेरा कॉर्पोरेट बॉन्ड 12% होता एंड वो लोग बोल रहे स्प्रेड मेरा 5 के जगह पे 6 हो गया, यानी कि ये क्या प्रॉब्लम है, कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है 100%, इतने ये भी आपको समझना है पॉइंट। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, इसका एक बार टेक्स्ट बुक में देखेंगे, बट उसके पहले ना ये जीरो वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है, जीरो वॉलेटिलिटी का मतलब है इंटरेस्ट रेट्स है ना वॉलेटाइल नहीं है, ये अजम्पशन है, इंटरेस्ट रेट्स वॉलेटाइल नहीं होता, इन रियलिटी इंटरेस्ट रेट्स वॉलेटाइल होता है कि नहीं होता है, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे जाता है ना, इसके लिए तो डेरिवेटिव्स हम लोग जब पढ़ा था, हम लोग ने जब पढ़ा था डेरिवेटिव्स ऑप्शंस के इसमें प्राइसिंग में क्या बोला था, इंटरेस्ट रेट का वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगा तो कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन दोनों इन द मनी रहने का चांसेस बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन प्राइसिंग के लिए इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बट यहाँ पे हम लोग जीरो वॉलेटिलिटी में क्या अजम्पशन कर रहे हैं कि वॉलेटिलिटी है ही नहीं, तो फिर कॉलेबल बॉन्ड्स पुटेबल बॉन्ड्स के लिए यूज कर पाऊंगा क्या मैं जीरो वॉलेटिलिटी, नहीं ना, क्योंकि कॉलेबल बॉन्ड्स एंड पुटेबल बॉन्ड्स आखिर में क्या है, ऑप्शंस है ना, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, एंड कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी है ना, हम लोग ने पढ़ा था ऑप्शंस का, समझ में आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीरो वॉलेटिलिटी में कैन नॉट बी यूज टू वैल्यू बॉन्ड्स विद ऑप्शंस, अगेन टेक्स्ट बुक में नहीं है ये पॉइंट बट आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना समझना, पक्का कोई भी डाउट है, अज्यूम्स इंटरेस्ट रेट टू हैव जीरो वॉलेटिलिटी, मतलब 3% रहेगा फिर 4% फिर 5%, बट अरे चांस है ना 3% का 4.3 भी हो सकता है 3.37 भी हो सकता है, तो अगर आपको ये हम लोग लेवल 2 में डिटेल में करते हैं, बट लेवल 1 में याद है हम लोग ने बाइनोमियल मॉडल किया था, क्या किया था हम लोग ने बाइनोमियल मॉडल ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस को लेके किया था कि स्टॉक या तो ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है, लाइकवाइज इंटरेस्ट भी तो ऊपर और नीचे जा सकता है ना वॉलेटिलिटी के हिसाब से, वॉलेटिलिटी दोनों तरफा चलता है, 3% का 3 point something भी हो सकता है नीचे भी जा सकता है, बराबर है कि नहीं, समझ में आ रहा है, बट वो कंसिडर हुआ है क्या यहाँ पे, नहीं हुआ है, तो उसके लिए क्या करेंगे वो आगे देखेंगे, बट ये पहले लिखो और उसके बाद ना टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 295 पे अभी आओ, पेज नंबर 295 जीरो वॉलेटिलिटी स्प्रेड, उस अभी पेज 295-296 का जो सम है ना वो सबसे पहले देखते हैं ब्लू बॉक्स का, ईयर 1, 2, 3 है, स्पॉट रेट्स है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जी स्प्रेड और जेड स्प्रेड का डिफरेंस देखते हैं, स्पॉट रेट्स ये है, ठीक है, यानी कि ये कौन सा है, अपवर्ड स्लोपिंग है, बराबर ना, राइट, 3 ईयर 9% कूपन ट्रेडिंग एट 89.4640, ठीक है, उसका आई बाय वाई मतलब YTM कितना है, IRR YTM कितना है 13.5, टी बॉन्ड का कितना है 12, अगर जी स्प्रेड निकालना है मेरे को, ये दोनों का डिफरेंस 13.5 - 12% तो कितना हो जाएगा 1.5%, बट जेड स्प्रेड में हम लोग का अजम्पशन क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है, जी स्प्रेड में क्या था, फ्लैट था ना, देखो ना 13% फ्लैट, बट एक्चुअली कैसा है, स्पॉट रेट 4%, फिर 8.167% और 12 जो भी है 12% क्या 12.377, वॉट इज दैट रेट जो मैं हर साल लगाऊँ, तो ये अगर रेट्स लूँगा 4% प्लस कितना, 8% प्लस कितना एंड 12% प्लस कितना, 4 प्लस कितना कितना कितना, ये जो बट एक्स परसेंट है ये कांस्टेंट रहेगा, वी हैव टू फाइंड दैट कांस्टेंट रेट, अगर इसके बिना करता हूँ तो मेरा आंसर 89 से ज़्यादा आएगा, व्हाट इज़ दैट रेट जो मैं हर साल लगाऊंगा सच दैट मेरा आंसर 89.464 होएगा, वो एक्सेल पे ही कर सकते हैं, नो ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हम लोग, बाई चांस एग्जाम में आता है ऐसा, जो कि चांस नहीं है, बट 0.001% अगर आता है तो ऑप्शन लगा के देख लो, वही एक तरीका है, ठीक है, वो रेट्स ऐड करके देख लो, अभी टेक्स्ट बुक में भी दिया रहेगा, पेज नंबर 296 पे देखो, नोट दैट द स्प्रेड इज फाउंड बाय ट्रायल एंड एरर, तो बैठ के ट्रायल एंड एरर तो करना नहीं है, एक्सेल पे विद इन सेकेंड्स मिल जाता है, ठीक है, बाय चांस आता है तो आपको वो प्लग लगा के देख लो, ऑप्शन डाल के, वो तीनों में से एक रहेगा, उसमें जाएगा 2 मिनट, आएगा तो नहीं बट बाय चांस, उसके लास्ट इज ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड, अगेन ये हम लोग ने ऑलरेडी पहले देखा हुआ है, जेड स्प्रेड जब हम लोग जी स्प्रेड करते अगर एक कॉलेबल बॉन्ड के लिए करते, पहले तो यूज़ नहीं करना चाहिए बट अगर कर दिया
तो जो स्प्रेड आता है 6% दैट विल कॉन्स्टिट्यूट क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क एंड कॉल ऑप्शन रिस्क. अगेन मैं बोल रहा हूँ यूज नहीं कर सकते क्योंकि क्या है जेड स्प्रेड का अजम्पशन इंटरेस्ट रेट वॉलेटाइल नहीं है, तो वैसे ही आंसर करेक्ट नहीं आएगा. बट अगर फिर भी क्रूड वे से करते हैं तो जेड स्प्रेड विल कॉन्स्टिट्यूट वॉट, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क एंड कॉल ऑप्शन रिस्क, कॉलेबल बॉन्ड है तो बराबर. ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड में क्या हो जाएगा, ये जो है कॉल ऑप्शन रिस्क वो हट जाएगा. तो जेड स्प्रेड अगर 6% है कॉलेबल के लिए, ओएएस कितना हो जाएगा 4% ऑप्शन को एडजस्ट करके. एंड यहाँ पे ना देखो इतना इजी नहीं है जितना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये आपको मैं L1 में सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, L2 में इसका कैलकुलेशन है बाइनोमियल मॉडल के थ्रू, इंटरेस्ट रेट ट्री के थ्रू, उसको इंटरेस्ट रेट ट्रीज बोलते हैं. बेसिकली वो जो बाइनोमियल देखा था ना आपने मॉडल वैसी रहेगा, बस इंटरेस्ट रेट ट्री बोलते हैं उसको, क्योंकि फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट रेट 3% है तो ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है बराबर डिविएशंस के साथ, फिर वापस ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऐसे हम लोग करते हैं. ये हम लोग ऑप्शन एडजस्टेड में डालते हैं. जब हम जेड स्प्रेड कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं 3% है, फिर 4% है, फिर 5% है, ऊपर नीचे वो कर नहीं रहे. गेटिंग माई पॉइंट? वो हम लोग L2 में करेंगे. अभी वो नहीं समझना, अभी सिंपल लैंग्वेज में ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड में क्या आएगा, सिर्फ क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क, ये वाले को एडजस्ट कर दिया तो फॉर अ कॉलेबल बॉन्ड जेड स्प्रेड वुड बी हायर देन ओएएस, इतना याद रहेगा. पुट के लिए उल्टा, पुटेबल बॉन्ड के लिए सिंपल है, ओएएस रिमूव्स ऑप्शन रिस्क. ऑप्शन रिस्क नहीं है ना, रिमूव्स ऑप्शन रिस्क, कंसिडर्स वॉलिटिलिटी, ये वाला याद रखो, ऊपर नीचे ऐसा समझा, इतना ही समझना है. पक्का लिख लो.